अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। नाजीन, आज शंघाई तआवुन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास का बाकायदा आगाज हो गया। इजलास में शिरकत के लिए 7 वज़राए आज़म, 1 नायब सदर और 1 वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान आमद यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर अहमियत बताने के लिए काफी है। वो अलग बात है कि खारजी और दाखिली चैलेंजेस के पेश नजर वफाकी दारुल हुकूमत को 3 रोज के लिए बंद कर देना, रास्ते बंद कर देना अच्छे ऑप्टिक्स नहीं, और इसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किल का आज सामना भी करना पड़ा। बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ ने आखिरी वक्त में ही सही लेकिन सियासी मेचोरिटी का मुजाहरा जरूर किया और एहतजाज की कॉल जो आज के रोज के हवाले से दे रखी थी वो वापस ली, इस शर्त पर कि इमरान खान साहब से उनके जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ की मुलाकात कराई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब ने अब से कुछ देर पहले बजरिया ट्वीट बताया कि 2 डॉक्टर्स ने अडियाला जेल में इमरान खान साहब का चेकअप किया और बताया गया उन्हें कि वो सेहतमंद हैं। उन्होंने आज 1 घंटे वर्जिश की। कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि हमें जल्द ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जो शेयर करेंगे। उधर वफाकी हुकूमत ने कौमी असेंबली का 17 अक्टूबर को इजलास बुलाने का फैसला किया है और इजलास में इसी हफ्ते आईनी तरमीम का बिल भी पेश किए जाने का इम्कान मौजूद है। हुकूमत की मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ आज कराची बार एसोसिएशन के जेरे एहतमाम वुकला कन्वेंशन का इनेकाद किया गया जिसमें वुकला रहनुमाओं ने मुजवजा आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए क्या कहा। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में, सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हाई कोर्ट की मौजूदगी में बनने का सिर्फ 2 ही शख्स हो सकते हैं। सो इस किस्म की बात करने वाला इलम होगा या बदनीत होगा, वो वकील नहीं है जो काले कोर्ट को दफन करना चाहता है, आग लगाना चाहता है। लेकिन रिफॉर्म की आड़ में मैं इसको एक हाइब्रिड निजाम का प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर समझता हूँ। ये कन्वेंशन की ये डिमांड है, आईन का मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले तमाम बार एसोसिएशंस को सर्कुलेट करें, उसे नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे लगाएं। रियासत में 2 बादशाह की बात चल सकती है, दोनों ताकतवर, जब उनमें टकराव होगी जैसे होता है फ्रांस में उनको तीसरी अदालत बनानी पड़ी, कोर्ट ऑफ कैसेशन। कोई भी तरमीम आईन की नहीं बनती जब तक के अवाम में उसकी गुफ्तगू, बहस और सोच को सामने नहीं लाया जा। जिस कोर्ट की तैनाती सियासी होगी वो अदालत भी सियासी होगी, उसके फैसले भी सियासी होंगे। हम नहीं मानते ऐसी किसी कोर्ट को, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। और नाज़रीन, SCO समिट के सक्सेसफुल और एक कामयाब आगाज के हवाले से और जो एक तासुर पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान की एक इंटरनेशनली इमेज भी बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के जितने भी डिस्पाइट द चैलेंजेस दैट वी फेस एज अ नेशन, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट पर हमें चैलेंजेस का सामना है, इन हालात में पाकिस्तान ने इसको यकीनी बनाया और दीगर जो ममालिक से, जो रुकन ममालिक से उनकी रिप्रेजेंटेशन इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रही है, इस पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा साहिबा हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं। मैम सलाम अलैकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैम सबसे पहले तो मैं इस इंप्रेशन के भी हवाले से आपसे जरूर आपका कॉमेंट चाहूंगी क्योंकि एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि इट इज़ अ रूटीन मैटर, पाकिस्तान एक साइकिल है, पाकिस्तान को अभी इस वक्त होस्ट करने का मौका मिला है। डू यू सी इट इन दैट स्पेक्ट्रम, आप उसको इस लेंस से देखती हैं कि ये एक रूटीन मैटर है या फिर आप समझती हैं कि ये हमारी एक कामयाब डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से हमने वाकई में पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल स्टेज पर रख दिया है, पाकिस्तान अपने आप को एक पोजीशन करने की एक बहुत अच्छी एक पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान की अहमियत और प्रोमिनेंस जो है वो इस पे इसके थ्रू उजागर होती है। जी बिल्कुल, ये SCO की जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है, पाकिस्तान उसका अब चेयर है और हम हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग कल प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की कामयाबी ये है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर इस वक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सरबराही इजलास पाकिस्तान में हो रहा है और इस इजलास में अहम ममालिक के लीडर्स शिरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं और आप तो जब कल इंशाल्लाह जब मीटिंग के बाद जो SCO का एलानिया बाहर आएगा वो आपको एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट होगा जो ये
एक फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट होगा जो ये बताएगा कि पाकिस्तान ने अपनी चेयरमैनशिप के मौके पर किस तरह से तमाम एससीओ के ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एससीओ के फ्यूचर डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर अपना एक रोल अदा किया। राइट मैम, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि बैनुल अक्वामी सतह पे अब इस मोमेंटम को, नेचुरली ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है और इसको इसका सक्सेसफुल जो पूरा इनकाद यकीनी बनाना, जहां पे हमारे मुल्क में लाइक आई मेंशन अर्लियर एज वेल कि हमें चैलेंजेस का, बहुत बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट हमने ये होस्ट हम कर रहे हैं और हमने सिक्योरिटी के भी तनाजुर में तमाम इकदाम को अलहमदुल्ला यकीनी बनाया, बट इस मोमेंटम को पाकिस्तान कैसे प्लान करता है कि कंटिन्यू करे और जहां पर इंगेजमेंट पे, जहां पर डायलॉग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, सो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इंगेज करना या डायलॉग के जरिए और इवन इंटरनेशनल मीडिया को भी टैप करने के हवाले से उस सतह पे हम कोई प्लान्स रखते हैं कि इकदाम को जो है वो यकीनी बनाएंगे। जी, पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है कि हम ट्रेड पर और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर, कनेक्टिविटी पर एक लीडरशिप रोल अदा करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन है, चाहे वो एससीओ में हो या ईसीओ की जो एक फोरम है उस पे हो, या पाकिस्तान की बायलैटरल जो एंगेजमेंट्स होती हैं बहुत सारे ममालिक के साथ, उसमें भी इन इश्यूज पर काम होता रहा है और आगे भी इसी को हम मोमेंटम को आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो यही हैं कि हम एक पॉजिटिव फोर्स हों इंटरनेशनल पीस के लिए, डायलॉग के लिए, और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हुए पाकिस्तान को जो हमारा कैंडिडेचर था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, उस पर पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ, आप जानते होंगे इस साल के मिड्स में, और जनवरी से पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट का संभालने जा रहा है। right. और हमने एक बहुत ही ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ वोट से ये इलेक्शन जीता था, तो ये पाकिस्तान की कंसिस्टेंटली डिप्लोमेटिक कामयाबियां आ रही हैं जिनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुमताज ज़हरा बलूच साहिबा, तर्जुमान दफ्तर रकम से बात की थी, जिन्होंने कहा कि कल के रोज एस सी ओ समिट के कंक्लूजन के वक्त जो एलामिया सामने आएगा इस इजलास का, वो एक फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट होगा, वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट होगा, और पाकिस्तान बिल्कुल हमेशा से वो इकदाम उठाते आया है जिससे पाकिस्तान ना सिर्फ अपने आप को एक पीस लविंग कंट्री और एक स्टेबल कंट्री और जहां पे सिक्योरिटी को सबसे पहले मद्देनजर रखते हुए उसको इंश्योर किया जाता है, और पाकिस्तान हमेशा से इस हवाले से इकदाम करते आया है, और ये यकीनी तौर पे आगे भी डिप्लोमेसी की ये नेचुरली एक सक्सेस के तौर पे इसको जरूर देखा जा रहा है, और ये कंटिन्यूड एक एफर्ट्स पाकिस्तान के एंड से एटलीस्ट जारी रहेंगे। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कराची में आज जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन मुनक्द हुआ, बड़ी कोई धुआंधार तकारीर उसमें की गई, आईनी तरामीम को आउट राइटली रिजेक्ट किया जा रहा है, आईनी अदालत के लिए वो कहते हैं कि ड्राफ्ट जो है वो पहले शेयर किया जाए तमाम बार एसोसिएशन बार तमाम बार काउंसिल से, ये कितना प्रैक्टिकल और कितना डूएबल सोल्यूशन और तजवीज हुकूमत इसको कंसिडर करती है, जहां पे हुकूमत एक तरफ इजलास भी 17 तारीख को तलब कर चुकी है कौमी असेंबली का, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद।